राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहूँ देहूँ जन खोरी। यदि आपके परिवार में फैमिली में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार आपको दवा लेने की आवश्यकता पड़ रही है और बीमारी मानो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप दवा मत करिए, सिर्फ उपाय करिए, लेकिन दवा के साथ साथ आप उपाय ज़रूर करिए, ऐसा मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ग्रहों का खेल बहुत ही अद्भुत होता है। हमारे ज्योतिष में हर चीज़ का उपाय बताया गया है। जो दवा आपके ऊपर असर नहीं करती है, खासकर इसके पीछे के जो कारण होते हैं, वो होते शनि और केतु महाराज जी। तो आपके कुंडली में किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी समस्या की वजह से यदि आपके ऊपर आपकी जो दवा हो रही है वो काम नहीं कर रहा है, बार बार बीमारी आपको सताए चली जा रही है, तो उसके लिए क्या उपाय करें? जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई चली जा रही है, बार बार आप दवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, हर जगह आप दिखा के थक चुके हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि घर के अंदर यदि कोई एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो पूरी फैमिली जो रहती है वो आपके पीछे लगकर एक तरीके से वो भी बीमार की स्थिति में आ जाते हैं। जब तक आप सही रहोगे तब तक वो भी सही रहते हैं। यदि परिवार में कोई एक बीमार पड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा परिवार उसके पीछे बीमार पड़ने की कगार पे आ जाता है, और यदि यही बीमारी लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो परेशानी दो गुना तीन गुना बढ़ जाती है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप उपाय ज़रूर करिएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप दवा बंद कर दीजिएगा, दवा आप चालू रखिएगा, साथ साथ में ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज यदि कुंडली में गलत भाव में बैठ जाते हैं तो आपको जो रोग है वो लंबे समय तक आपको परेशान करता है। ये उपाय से आपको शनि को सही करना है और बुध को सही करना है। इसी उपाय से आपके कुंडली के जो केतु महाराज हैं वो भी सही हो जाएंगे। करना क्या होगा आपको, आपको जो बीमार व्यक्ति है उसके हाथ से आपके अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगवा लेना है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो दूसरी बार फिर से लगा दीजिए। जब तक बीमारी उनकी चल रही है तब तक उनके हाथ से जो तुलसी का पौधा है वो ना सूखे। यदि सूख जाए तो बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं, हो जाता है कभी कभी, बीमारी ज़्यादा रहती है, लंबी रहती है, तो पौधे सूखना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यदि जैसे जैसे उनको आराम मिलेगा तुलसी का पौधा वैसे वैसे बड़ा होने लगेगा। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको जो बीमार व्यक्ति है उसके लंबाई के बराबर काला और हरा धागा, ये दोनों धागे ले लेने हैं और उसको एक साथ लपेट लेना है और उसे उन्हीं के हाथ से तुलसी के जड़ में बांध देना है। यदि वो बांधने में सक्षम नहीं है तो आप स्वयं बांध दीजिएगा। और हर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप मूंग का हलवा बना के उनके हाथ से वितरण करा दीजिएगा तुलसी को भोग लगाने के बाद। मात्र इतना करने से आप देखेंगे कि जो रोग उनको लंबे समय से परेशान कर रहा था, जिसे सहन करने में उनको तकलीफ हो रही थी, उसमें उनको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पर अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।